हेलो रियो, तो आप लोगों को थंबनेल देखकर काफ़ी कुछ पता चल चुका होगा कि क्या मैं बात करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में उसी के बारे में डिटेल में जानेंगे, हो सके तो सेकंड पार्ट भी बना दूँ। सो बिना देरी के शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन। नंबर वन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ FGM? व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ FGM? तो इस कैंसर है फीमेल जेनेटल म्यूटिलेशन, और इसे अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे FGC यानी फीमेल जेनेटल कटिंग, फीमेल जेनेटल सर्कमसीजन। ओके, नेक्स्ट सवाल आता है व्हाट इज मीनिंग ऑफ MGM या व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ MGM? तो मेल जेनेटल म्यूटिलेशन, ओके, या उसे ये भी कह सकते हैं मेल जेनेटल कटिंग या मेल जेनेटल सर्कमसीजन। ठीक, तो एक और बात मैं बता दूं कि MGM और FGM को क्या कहते हैं हिंदी में। तो FGM को महिलाओं का खतना कहा जाता है, ओके, MGM को पुरुषों का खतना भी कहा जाता है, ओके। तो इन दोनों में क्या अंतर है वो जानते हैं। सो सबसे पहले MGM के बारे में जानते हैं, यानी पुरुषों का खतना के बारे में जानते हैं। तो ये जो होता है धार्मिक रीजन की वजह से या प्रथा जो चला आ रहा है उसके वजह से होता है। तो MGM कराने से कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि फ़ायदा ही होता है। जो लोग MGM नहीं कराते हैं उनको बाद में जाकर कराना ही पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ FGM में बहुत सारे नुकसान हैं कराने से। नहीं कराते हैं तो बच सकते हैं उस बीमारी से, उस डिजीज़ से, लेकिन अगर करा लेते हैं तो वो आप मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना जानते हैं ना, वो होता है FGM कराना, समझ रहे ना। लेकिन MGM से बहुत सारे फ़ायदा हैं। MGM कराने का एज जो होता है छोटे उम्र में ही होता है, 3-4 साल, 5 साल, 6 साल, इतना ही एज होता है, उसी समय करा लेना चाहिए, बड़ा होगा तो दिक्कत ज़्यादा आएगा। सो इसमें कैसे किया जाता है आप फिगर में देख पा रहे होंगे कैसे कैसे वो होते हैं। MGM में होता ही है कि मेल के जो पेनिस के ऊपर का फोर स्किन आगे की तरफ जो होता है उसको काट कर हटा दिया जाता है। अगर वो नहीं हटाएंगे तो बहुत सारे डिजीज़ पैदा होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूँ, पेनाइल कैंसर हो गया, पेनाइल प्रॉब्लम, ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो गया, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, और भी बहुत सारे डिजीज़ पैदा हो जाते हैं। वहीं MGM कराने से बहुत सारे डिजीज़ से आप छुटकारा पा लेंगे। अगर आप MGM करा लेते हैं तो अच्छे से पेनिस को आप वॉश कर सकते हैं और वहाँ पे हाइजीन मेंटेन रहेगा, बहुत सारे डिजीज से बच सकते हैं। तो अब आपको पता चल चुका है कि MGM कितने फ़ायदेमंद है कि नहीं। तो अब FGM के बारे में जान लेते हैं। ठीक, तो FGM कराने का रीज़न धार्मिक रीज़न है। ठीक, सेकेंड क्या है कि प्रथा जो चला आ रहा है उसके कारण भी होता है। ये कराने से नुकसान है, फ़ायदा कुछ भी नहीं। इसमें क्या होता है कि लोगों का मानना है कि अगर FGM कराते हैं तो फीमेल जिसका हुआ है खतना हुआ है वो पवित्र यानी पाक हो जाते हैं, यही कारण की वजह से वो खतना करती हैं। FGM कराने का एज भी सेम ही होता है, जैसे MGM में छोटी उम्र में किया जाता है तो FGM को भी छोटी उम्र में ही किया जाता है। इसमें होता यूँ है कि क्लैटोरिस को काट कर हटा दिया जाता है। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि क्लैटोरिस क्या है। वैसे इसको 4 स्टेज में किया जाता है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो अब एक सवाल आता है कि डज FGM अफेक्ट सेक्सुअल प्लेजर? सेक्सुअली जो प्लेजर था वो ख़त्म हो जाएगा या कम हो जाएगा? तो मैं बता दूँ कि हाँ, अगर आप क्लैटोरिस को हटा देते हैं तो प्लेजर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि क्लैटोरिस से ही सेक्सुअली स्टिमुलेशन आता है। अब उसे ही रिमूव कर दीजिएगा तो कैसे प्लेजर आएगा? यानी जो फीमेल सेक्सुअली एक्साइटेड पहले होती थी वो नहीं होगी, यानी क्लैटोरिस हट गया तो उसे प्लेजर ना के बराबर ही आएगा। जिसके साथ FGM होता है उसका सेक्सुअली स्टिमुलेशन ख़त्म हो जाता है, उत्तेजना ख़त्म हो जाता है। अब मैं बता दूं कि FGM एक सीज़न में किया जाता है। जिस फीमेल के साथ FGM होता है, FGM किया जाता है, वो एक सर्टेन मौसम में किया जाता है। मौसम है गर्मियों का, जब जून जुलाई का गर्मी पड़ता है और छुट्टी होता है बच्चों का गर्मियों का, तब उस समय लड़कियों के साथ FGM किया जाता है। ये जो FGM होता है यानी महिलाओं का खतना होता है, बिना प्रिस्क्रिप्शन के होता है, डॉक्टर सजेस्ट नहीं करते हैं, बल्कि सरकार तक इसे बैन कर चुका है, फिर भी ये FGM हो रहा है। FGM करना इलीगल है, भले ही हम लोग इससे अनजान हैं, फिर भी हमारे पीठ पीछे FGM बहुत सारे लड़कियों के साथ हो रहा है और हम नहीं देख पा रहे हैं। तो हमें अवेयर होना चाहिए और लोगों को भी अवेयर करना होगा कि FGM करने से कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि नुकसान ही है। नुकसान क्या है तो मैं वन बाय वन आपके मोबाइल स्क्रीन पर मैं शो कर देता हूँ और आप देख लें कितने नुकसान होते हैं FGM के वजह से। अब हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज़ साइन ऑफ FGM।
यानी अगर किसी फीमेल के साथ FGM हो चुका है, यानी महिलाओं का खतना हो चुका है, तो कैसे पता करें? बैठने में, चलने में, खड़ा होने में, इन सभी में दिक्कत आएगा अगर FGM हुआ है तो। अगर वाशरूम में जा रही है, बाथरूम जा रही है, तो लंबे समय तक बाथरूम में ही रहेगी, देर से निकलेगी। नंबर 3, हमेशा बेचैन रहेगी, डिप्रेस रहेंगी। नंबर 4, मैक्सिमम टाइम स्कूल से बंक मारेगी, मतलब स्कूल जाने का उसका मन नहीं रहेगा, बेचैन रहेगी, परेशान रहेगी। नंबर 5, डॉक्टर के पास जाने से हिचकिचाएगी, डरेगी, सहमी रहेगी। तो और भी बहुत सारे साइन हैं जब FGM करा लेती है कोई गर्ल्स। तो वैसे FGM के बहुत सारे नाम हैं, हर कस्बा, हर गांव, हर शहर में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि FGM करवाने से क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है फीमेल पर। तो नंबर 1 है कि टेटनस हो जाएगा, हेपेटाइटिस बी सी हो जाएगा, HIV हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। चाहे कोई एक ही सीजर से, मतलब अनहाइजीन तरीके से वो करती है ना, इसकी वजह से टेटनस भी होता है। एक ही ब्लेड, एक ही चीज़, इससे मतलब हज़ारों औरत का, हज़ारों लड़की का करती है, हाइजीन का नामो निशान नहीं रहता है। एनेस्थेसिया भी नहीं देती है, ना एंटीसेप्टिक ट्रीटमेंट करती है, विदाउट क्लीननेस के वो काम करती है, जिसकी वजह से बहुत सारे डिजीज़ और इन्फेक्शन वहाँ फैल जाते हैं। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, इनफर्टिलिटी का केस आ जाएगा, पेन ड्यूरिंग सेक्स, यानी सेक्स के दौरान पेन होगा, और वहाँ सिस्ट बन जाएंगे, थक्के बन जाएंगे, बहुत सारे वहाँ प्रॉब्लम आ जाएंगे। जैसे आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, प्रॉब्लम तो बहुत सारे हैं, है कि नहीं? वो आते क्यों हैं? तो ये बस 4 जो आपको स्टेज दिख रहा है ना, 1, 2, 3, 4, इन्हीं सभी के वजह से होता है। अगर FGM ना हो, ये प्रोसीजर ना हो, तो कभी भी जितना पेन होता है, जितना परेशानी को झेलना पड़ता है फीमेल को, वो कभी आएगा ही नहीं। तो मैं बता दूं कि इसमें प्रोसीजर क्या है, क्या क्या करती हैं जो महिला FGM करती हैं। वो तो सबसे पहले क्या करती हैं कि अपने औजार को लेती हैं, जैसे ब्लेड हो गया, सीजर हो गया, जो भी है उनका औजार है वो ली और क्लैटरिस को काट कर हटा दी। अब इनका सेकेंड स्टेप क्या होता है? क्लैटरिस को तो हटा दी काट कर, अब इनका सेकेंड स्टेज होता है लेबिया माइनोरा, ठीक, इसे भी काट कर सेपरेट कर देती है, अलग कर देती है, हटा देती है। अब इनके बाद थर्ड स्टेप आता है लेबिया मेजोरा, ये वाला स्टेज। तीन को काटती नहीं है बल्कि सील देती है, देखिए ऐसा कर देती है 4 स्टेज में। तो ये करती हैं कौन है? तो सालों से जो एक्सपीरियंसिव औरत हैं, एक मतलब एजेड हो जाती हैं, जो सब औरत का, सभी फीमेल का मतलब FGM करती है, तो वही ये काम करती है। इस प्रोसीजर में क्या होता है कि यहाँ पर थोड़ा सा छोड़ दिया जाता है, और वेजाइना ओपनिंग का थोड़ा सा जगह छोड़ देता है, जिससे क्या होता है कि वहाँ से ब्लड निकल सके, मेंस्ट्रुअल ब्लड जो होता है पेट का वो निकल सके और यूरिन निकल सके, बस उतना ही रास्ता छोड़ती है। और कुछ औजार भी इस्तेमाल करती हैं, जैसे कि फिगर में आपको जो दिख रहा है ये सब इस्तेमाल करती हैं। तो आपको एक और फिगर ले लिया मैंने समझाने के लिए, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, देख लीजिए, Type 1, Type 2, Type 3 and Type 4, इसमें वही प्रोसीजर हुआ है जो फिगर में था, ये तो नॉर्मल है। ओके, तो आपको अब मैं चलता हूँ मेल सर्कमसीजन के बारे में बताने, ठीक, तो उस फिगर को देखते हैं। तो आप देख पा रही हैं प्रोसीजर, प्रक्रिया क्या है। वैसे ये हजाम करते हैं और फिगर जो आपको दिख रहा है ये डॉक्टर कर रहे हैं। ओके, तो आप देखिए कैसे कैसे ये प्रोसीजर हुआ है। नंबर 1 पे ये नॉर्मल है कि नहीं, नॉर्मल फिनिश है। और सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, लास्ट में आप देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या हुआ है। फिनिश का जो 4 स्किन है आगे वाला, इसको हटा दिया गया है। तो इसमें उतना रिस्क नहीं होता और ये करवाना भी चाहिए, जिससे क्या होता है कि इस एरिया में पेनिस के जो कॉर्नर एरिया है वहाँ पे हमेशा लुब्रिकेंट टाइप का निकलते रहता है, जिससे बहुत सारे डिजीज़ इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। जैसे मैंने बताया था पेनियल कैंसर, पेनियल इन्फेक्शन होता है, तो इस सब से बचाव के लिए ये सब प्रोसीजर किया जाता है। और भी फ़ोटो देख लेते हैं, और भी फिगर देख लेते हैं, देखते हैं, चलिए। ये देखिए हिंदी में है, ओके, हिंदी में आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ लिखा है सुन्नत, है कि नहीं? यहाँ पर देखिए, एक मिनट देखते हैं, बिना सुन्नत क्या हुआ लिंग। तो आपको मैंने बताया था कि बहुत सारे नाम हैं FGM के, MGM के, गांव-गांव में अलग अलग नाम बोले जाते हैं, तो इसे सुन्नत कहा जाता है, ठीक है, सुन्नत कराना। तो यहाँ पर देखिए मेल का पेनिस कैसा है, जब सर्कमसाइज हो गया, मतलब
फोर स्क्रीन को काट कर आ दिया गया तो कैसा दिख रहा है कि नहीं। अब नेक्स्ट चलते हैं, एक और फिगर आप देख लेते हैं। तो देखिए एक और डोर्सल साइड से दिखाया जा रहा है, ठीक यहाँ पर नीचे की तरफ से, यहाँ पर देखिए कैसे काटा जा रहा है यहाँ पर। एक मिनट मैं कुछ और, ये देखिए है कि नहीं, डोर्सल साइज में कैसे काटा जा रहा है, फोर स्क्रीन को यहाँ से हटा दिया गया। तो आपको काफ़ी कुछ आपको क्लियर हो गया होगा फिगर देखकर, और मैंने थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि आपको अच्छे समझ में आए। एक और बात बता दूं कि FGM 6 फरवरी को मनाया जाता है। तो अब आप लोग जान चुके हैं कि FGM और MGM में क्या अंतर है, और अब आप लोग जान चुके हैं कि FGM कितना ख़तरनाक और कितना घटिया चीज़ है जो लड़कियों के साथ हो रहा है। अभी ये इलीगल है, फिर भी बहुत सारे देशों में, बहुत सारे शहरों में हो रहा है, हमें पता नहीं है। इसके लिए हमें अवेयर होना पड़ेगा और लोगों को भी अवेयर करना पड़ेगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा तो और भी लोगों को जानकारी मिलेगा। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, जिससे मेरे अच्छे वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचेंगे। एट द एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।